एमपी के बैतूल में रमजान के मुबारक माह का आज तीसरा रोजा इफ्तार के साथ संपन्न हुआ। नगर के कोठी बाजार की जामा मस्जिद में सैकड़ों रोजेदारों ने इफ्तार के वक्त देश में अमन चैन की दुआ मांगी। पुलिस प्रशासन एवं नगर रक्षा समिति सदस्य द्वारा मस्जिद चौक पर मुस्तैदी से कार्य करते हुए ट्रैफिक को कंट्रोल किया गया। रमजान के मुबारक माह में शाम के समय लल्ली चौक पर रौनक देखते ही बनती है। सारे रोजेदार इफ्तार के लिए यहाँ जमा होते हैं, साथ ही गरीब की नमाज अदा करते हैं। रमजान में रोजा रखकर अल्लाह की इबादत करने वाले रोजदार बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं। वहीं रमजान माह के मुबारक मौके पर जामा मस्जिद रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रही है, जिसका नजारा बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। आज कौन सा रोजा है? आज तीसरा रोजा। आज तीसरा रोजा है और क्या क्या कार्यक्रम होंगे? आज सभी जगह नमाजें हो रही मस्जिदों में जी, और रात को फिर अभी अभी उसके बाद तरावी होगी। तरावी बाद रात को फिर देर रात अपने को जो सहरी वगैरह होगी नमाज होगी, फजर की नमाज, उसके बाद सब अपने अपने हिसाब से तैयार होकर तो फिर दोबारा वो किसी तरह से हाँ रोजाना 30 दिन पूरे लगातार 30 दिन रहेगा। और इस बार रमजान में एक बहुत अच्छी बात हो रही है, 5 जुमे एक साथ आ रहे हैं। पाँच जुमे आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है क्या, बहुत अच्छा रह रहा है माहौल रमजान का, साल में एक बार आता है, बहुत अच्छा लगता है, पूरे शहर में रौनक रहती है। जो व्यवस्था लगी है ये एक आध महीने तक ऐसी लगी रहेगी, एक आध घंटे के लिए? अभी वर्तमान में जो रमजान माह चल रहा है, नवरात्रि भी चल रही है, उसको देख के पुलिस जो है जहाँ भीड़ वाली जगह है वहाँ पे पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात है, और जहाँ पे इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे वहाँ पे पुलिस हमेशा उपलब्ध रहेगी। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।